let's have slightly difficult question on consolidation difficult in the sense that it's a, a lengthy question basically now the financial position of a and b limited on december 31st 2019 given non current assets property plant and equipment investments in b that is the amount you given as a consideration when you acquired the share of b

हमने ये पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं कि अगर कंपनी अपने एसेट्स को रीवैल्यू करवाती है तो उसको हम बैलेंस शीट में एज इट इज़ लेके जाते हैं तो ये रीवैल्यूएशन रिजर्व ऑलरेडी कंडक्टेड नाउ द रिटेन अर्निंग्स आर आल्सो देयर एंड सिंपली अकाउंट्स पेएबल तो लाइब्रिटीज में सिर्फ अकाउंट्स पेएबल हैं ट्वेंटी और फाइव तो बैलेंस शीट दोनों की छोटी सी बैलेंस शीट्स अब इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें a limited acquired 80% ordinary shares of b limited on january 1st 2019 when b limited had a balance in retained earning of 6 million and there is no change in revaluation reserve of b limited since the date of acquisition the acquired kia 1st january 2019 अब क्वेश्चन ये है कि 2019 में जो रिजर्व्स होंगे वो क्या है? क्योंकि इस डेट पे जो रिज़र्व है वो प्री एक्विजिशन कर लाएंगे। इस डेट के बाद जितना भी प्रॉफिट आएगा वो आपका पोस्ट एक्विजिशन है उसमें आपको शेयर मिलेगा बस ये पॉइंट जरूर जे जेन में रखिएगा कि हमारा शेयर शुरू होगा द डे वी एक्वायर द शेयर उससे पहले का जो प्रॉफिट है वो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ले जा सकते उसकी कैलकुलेशन में यूज़ होता है गुडविल की लेकिन उसको हम प्रॉफिट में शामिल नहीं करते बी लिमिटेड सेल्स गुड टू ए लिमिटेड एट ए कॉस्ट प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट इसमें भी देखें कि आप कॉस्ट अगर सौ है तो आप बीस एड करके एक सौ बीस में बेच रहे हैं तो इसका मतलब सेल्स अगर एक सौ बीस है तो उसमें प्रॉफिट बीस है ना ए लिमिटेड हैज़ अनसोल्ड गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ थ्री मिलियन इन दी इन्वेंट्री एज ऑफ डिसम्बर 2019 अब यहाँ देखें कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो थ्री मिलियन का है ये इसकी कॉस्ट नहीं है ये इसकी सेल प्राइस है तो हमने यहाँ से देखना है कि इसमें प्रॉफिट कितना है उस प्रॉफिट को हमने कहना है अनरियलाइज प्रॉफिट उसकी फिर हमें एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी ट्रेड रिसीवेबल बी लिमिटेड इंक्लूड अमाउंट ऑफ वन मिलियन ड्यू फ्रॉम ए एक ने रिसीवेबल शो किया है दैट इज़ बी ने और ए ने उसको पेएबल शो किया हुआ तो है, तो है तो दोनों को कैंसिल करना पड़े तो ये कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है इसमें एक सिंपल आई है क्वेश्चन कि जी आपने देने ए ने लेने तो बी ने देने हैं तो दोनों को कैंसिल कर देंगे यानी उनकी जो रिसिवेबल्स और पेबल्स हैं डाटर्स और क्रिडर्स हैं उसमें इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी प्रीपेयर कंसोलीडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एज ऑन डिसम्बर ट्वेंटी नाइन ना अब देखिए हमने बैलेंस शीट तो बना ली है लेकिन इसकी जो वर्किंग है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग ये एक जो है ना इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इसकी वर्किंग में जाना पड़ेगा कि वर्किंग कैसे है तो फिर प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है आपने दोनों को एज़ इट इज़ ऐड कर दिया लेकिन सो फिर गुडविल इज़ कंसर्न इसकी वर्किंग देखनी पड़ेगी कि ये गुडविल की फिगर कैसे आई है गुडविल की फिगर को नोट करें वर्किंग में जाकर ये देखें आपने जो पे किया है थर्टी फोर फोर हंड्रेड इसके बाद जो नेट एसेट्स हैं बी के वो टोटल बनते हैं थर्टी वन थाउजेंड जिसमें शेयर कैपिटल है रिवॉलूशन रिजर्व है और प्री एक्विजिशन अर्निंग है इनको आपने ये प्री एक्विजिशन है तो इसमें आपका शेयर जो है ना वो जो बनता है थर्टी वन एटी परसेंट थर्टी वन का ट्वेंटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड तो आपने कंपेयर करना है जो आपने पेमेंट कंसिड्रेशन पे की है और एसेट्स कितने के आपको मिले हैं अब आप देखें हमने पे ज़्यादा किया है और आपको एसेट कम के मिले हैं तो देर इज़ अ गुड विल ऑफ़ नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो ये वर्किंग हमारी बैलेंस शीट में नज़र आए देखें कि बैलेंस शीट में गुड विल जो है नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है अच्छा इसमें और कोई नॉन करंट एसेट्स नहीं है तो इसलिए आपके टोटल नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो नाइन्टी के हो जाएंगे अब आए इन्वेंट्री तो जैसे मैंने कहा था कि इन्वेंट्री में अगर प्रॉफिट मार्जिन शामिल है तो आपको रिमूव करना पड़ेगा हमने दोनों की इन्वेंट्री को ऐड किया लेकिन हमने 500 माइनस किया अब ये 500 की कैलकुलेशन भी अगर चाहते हैं तो मैं बताता हूँ देखें वर्किंग में देखें अनरियलाइज प्रॉफिट की वर्किंग आ, इसमें एज सच नॉन नहीं की हुई लेकिन देखिए ये जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है इसमें आप देखें कि अनरियलाइज प्रॉफिट की फिगर आ रही है वो पाँच की है और ये पाँच कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ आपका स्टॉक है थ्री मिलियन का ठीक है तो थ्री मिलियन पे आप निकालें कि आपका प्रॉफिट कितना बनता है यानी एक सौ बीस से अगर आप तकसीम करें और बीस से ज़रूरत दें क्योंकि वैल्यू जो है ना ये आपकी सेल वैल्यू है और सेल वैल्यू का आप लें तो वो तकरीबन पाँच सौ की जो फिगर है फाइव हंड्रेड थाउजेंड की जो फिगर है ये आपकी बन जाएगी अनरियलाइज प्रॉफिट की और ये आप देखें नीचे ट्वेंटी सिक्स एक्विजिशन और ये अनरियलाइज प्रॉफिट फाइव हंड्रेड यहाँ भी देखें माइनस किया हुआ है तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो स्टॉक से माइनस होगा तो आप स्टॉक से मीनस आपके स्टॉक की फिगर बैलेंस शीट में जाएगी उसमें से ये माइनस हो जाएगा और ये फिर प्रॉफिट में भी एडजस्ट होगा जैसे वो दिखाया हुआ है यहाँ पर अच्छा उसके बाद देखिए ट्रेड रिसिवल्स में दोनों के हमने ऐड किए लेकिन वो जो एक ने देना है दूसरे का वो एक मिलिंग का उसमें से हमने माइनस कर दिया सिमिलरली अगर क्रेडिटर्स में आप जाएँ नीचे लास्ट वाइन में पेएबल की फिगर को देखें लास्ट बट वन उसमें भी आप देखें दोनों आपने पेएबल को ऐड किया है और उसमें से माइनस किया आपने एक साथ तो ये जो सिंपल एक ट्रांजैक्शन रिसीवेबल और पेएबल की है आप इस तरह से इसको माइनस कर देते हैं यूजली हम करते क्या हैं कि हम बाकायदा इसकी एडजस्टिंग एंट्रियाँ डालते हैं ताकि क्लियर हो कि भाई कौन सी फिगर कहाँ और इसके लिए एक वर्कशीट बनती है उस वर्कशीट में फिर हम इन, इन पर्टिकुलर आइटम के अगेंस्ट डेबिट क्रेडिट कर देते हैं और वहाँ से फिर जो नेट फिगर्स हैं वो उठाकर हम बैलेंस शीट में लेके आते हैं उसके बाद कैश और कैश की में कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि कोई डिविडेंड भी नहीं आया है कोई कैश इन ट्रांज़िट भी नहीं है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं तो टोटल एसेट्स आ गए अच्छा शेयर कैपिटल तो आपका सिर्फ आएगा होल्डिंग कंपनी का और रिवेल्यूशन रिज़र्व जो है वो भी एज इट इजी इसमें आ जाएंगे लेकिन इसमें एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट होगी देखें कि ये जो गुडविल के केस में है इसमें जो रिवेलुएशन रिज़र्व प्री एक्विजिशन है वो हम निकाल देंगे बाकी का जो बचेगा वो आपकी रिवेल्यूशन और आपके रिवेल्यूशन में ऐड होकर बैलेंस शीट में आ जाएगा ये देखें तो ये पेबल्स का हो गया और ये आपकी रिजर्व में देखें ग्यारह हज़ार का रह गया अच्छा अब रह जाता है इसमें दो फिगर एक है जो मेन फिगर है वो है आपकी रिटेन रनिंग और दूसरी है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्योंकि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है ये वो लोग हैं जिनके जिनका शेयर जो है आपसे कम है यानी यूँ या कह लें कि वो तकरीबन तो थर्टी परसेंट जो आपका है वो है या ट्वेंटी परसेंट जो भी है वो अलग से दिखाना है बैलेंस शीट में इसको एक सेपरेट फिगर से दिखाना है इसको आप किसी एसेट के साथ ऐड नहीं करना लाइबिलिटी के साथ भी ऐड नहीं करना असल में ये वो लोग हैं जो आपको पे करने के बाद बाकी सब लोगों को देखने के कर, बाद इनके हिस्से में ये बनता है अगर कंपनी फेल हो जाती है तो सबको पे करने के बाद ये इनको मिलेगा इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहता है ये डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता अगर किसी सूरत में ये डेबिट बैलेंस होगा तो वो गलत हो जाएगा इसलिए कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं जो पैसा उन्होंने देना होता है ना फर्स्ट टाइम बस वो दे देते हैं उसके बाद कंपनी उनसे और कोई क्लेम नहीं कर सकती तो अगर इन केस कैल्कुलेशन्स में माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है ये नॉन क्रोट इंटरेस्ट जो है इसमें अगर डेबिट बैलेंस हो जाता है देखिए लॉसेस हो जाते तो दे विल शेयर द लॉसेस आल्सो तो जब वो लॉसेस को शेयर करने जाएंगे तो ऑब्वियसली इसका बैलेंस डेबिट हो सकता है लेकिन दैट इज़ नॉट अलाउड क्यों कि आप शेयर होल्डर से पैसे नहीं ले सकते ये नहीं कह सकते कि कंपनी को लॉस हुआ तो पैसे और दें आप ऐसा नहीं हो सकता वंस यू पेड लेट से आपने एक दस रुपये का शेयर ख़रीदा है आपने दस रुपये पूरे पे कर दिए आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं रह जाती कंपनी के लिए आप बस दस रुपये दे के फार कंपनी बैठ जाती है आपको दस नहीं मिलेंगी कंपनी के पास, पास पाँच बचते हैं तो दस में से आपको पाँच मिल जाएंगे दैट्स ऑल तो इसलिए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है इसमें डेबिट बैलेंस हो नहीं सकता है पॉसिबल ही नहीं है तो इसकी वर्किंग देख लें सर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की आपके नेट एसेट्स वही ऊपर वाले हैं फिफ्टी वन थाउजेंड के इसमें ट्वेंटी फिफ्टी वन थाउजेंड में शेयर कैपिटल है, है और उसके रिजर्व्स है और प्रॉफिट है इसमें भी एक बात नोट करें कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए प्री और पोस्ट नहीं होता जो भी एग्जिस्टिंग बैलेंसेस हैं आप उनको लें और उसमें उसका शेयर दिखा दें हाँ एडजस्टमेंट अगर उसमें कोई है तो वो आप करनी पड़ेगी आपको तो इसमें नॉन कंट्रोल फिफ्टी वन तो उसका वो अनरियलाइज प्रॉफिट जो निकाला है वो निकालने के बाद जो बचता है फिफ्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसका ट्वेंटी परसेंट जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनेगा तो मैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए आपने सिंपली जो बैलेंस शीट में फिगर्स हैं इक्विटी की उसका ट्वेंटी परसेंट उनको दे दें हाँ एक ज़रूर जिसमें अगर कोई एडजस्टमेंट है उसके अकाउंट्स में तो फिर एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट है जो जो बैलेंस बचेगा उसमें आपने ट्वेंटी परसेंट उनको देना है अच्छा अब देखिए इसमें रिटेन प्रॉफिट की बात आपने देखा कि ए का प्रॉफिट तो एज इट इज आता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इस ऊपर बी जो है इसमें छब्बीस हज़ार में से छः हज़ार प्री है जो आपने गुडविल में एडजस्ट किया है गुडविल के कैलकुलेशन में लिया है वो छः हज़ार माइनस कर दें क्योंकि दैट इज़ नॉट अवेलेबल टू द होल्डिंग कंपनी क्योंकि ये प्री है इसमें ये आपने अर्न नहीं किया आपको ये शामिल नहीं करना है प्रॉफिट में उसके बाद जो बचता है एडजस्टमेंट अनरियलाइज प्रॉफिट करने के बाद आपका एट्टी परसेंट आपका हिस्सा है क्योंकि आपके एटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ने दे दिया है ना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को तो आपका बनता है एटी परसेंट तो एटी परसेंट उसमें ऐड किया तो टोटल जो कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग आएगी थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो वापस बैलेंस शीट को देखें ये देखें ये आपकी जो रिटेन अर्निंग वर्किंग थ्री से आ रही है थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और वर्किंग टू से जो आपकी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वो आपका टेन थाउजेंड वन हंड्रेड तो दिस इज हाउ बेसिकली दिस इज अगेन लेंथी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन हाउ द बैलेंस शीट अंडर कंसोल्टे ग्रुप की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें किस तरह से आपने एडजस्टमेंट करना है ये जो रिटेन अर्निंग हम दिखाएँगे बैलेंस शीट में उसमें आप देखें कि ग्रुप का तो पूरा का पूरा आ जाएगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड लेकिन जो बी है उसमें जो ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड में से आपने पहले माइनस करना है छः हज़ार जो प्री है क्योंकि प्री को आप कंसोलिडेशन बैलेंस शीट में नहीं ले जा सकते वो तो गुडविल में एडजस्ट होता है और फिर आप उसमें से अगर कोई एडजस्टमेंट हुई है अनरियलाइज प्रॉफिट की तो वो माइनस कर दें और ये भी यूनिट कर लें कि ये अनरियलाइज प्रॉफ़िट इसलिए कि एडजस्टमेंट हमने आ, बी के बुक में की है अनरियलाइज प्रॉफिट की तो जिसकी किताब में हुआ एडजस्टमेंट वहीं से लेना है और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है नाइनटीन फाइव हंड्रेड उसका एटी परसेंट जो है वो आपका फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सो टोटल मिलाकर आपका जो बैलेंस शीट में रिटेन प्रॉफिट जाएगा वो थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और आप देखें बैलेंस शीट को दोबारा से ये देखें थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और माइनॉरिटी का हिस्सा टेन थाउजेंड वन हंड्रेड तो बैलेंस शीट में देखें तीन फिग्रें हैं ऐड करें वन थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड साइड पर और थर्टी वन थर्टी टू सेवन हंड्रेड ऑन दी एसेट साइड थैंक यू वेरी मच